महात्मा गांधी का दृश्य राजघाट पर है, और राजघाट बड़ा मनोरम है, हरी हरी दूब आँखों को नई रोशनी प्रदान करती है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के लोग गदगद हो जाते हैं अपने प्रिय प्रधानमंत्री को देख करके। राजघाट पहुँचे ही नहीं, अब तो वहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, और प्रस्थान करके 28 तक लाल किले तक पहुँच जाएंगे। जो लाल किले की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं है, और फिर दूसरी बात तो ये है कि वो एकाएक पहुँचते हैं। ये बैंड लाल किले पर है, बीच बीच में उसकी ध्वनि आ जाती है, लाल किले का लाहौरी दरवाज़ा। और ये तो दूरदर्शन परिवार की ओर से, और हमने जी न्यूज़ के परिवार की ओर से सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई दे दी है, अभिनंदन किया है। इंदिरा गांधी 16 बार, जवाहरलाल नेहरू 17 बार, डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 बार, और नरेंद्र मोदी जी आज 7वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये पुलिस बल जो आज के उसका गार्ड ऑफ ऑनर का भाग है, और संभवतः वही चित्र दोबारा दिखा रहे हैं जिन लोगों ने पहले नहीं देखा है वो देख लें। गुलाब की पंखुड़ियों से पुष्पांजलि हमारे प्रधानमंत्री, अभी तक आपने लंबी पगड़ी और साफा नहीं बताया, मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दे रहे हैं। ये साफा पहले वर्ष से ही पहन रहे हैं, रंग अलग अलग है, आज भी अलग है, और अनेक रंगों में साफा, और साफे के पीछे आप देखिए पगड़ी के साथ साथ जो है वो नीचे उतर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी राष्ट्रीय वेशभूषा में सदैव रहते हैं, और अन्य कोई वेशभूषा नहीं अपनाया उन्होंने। और ये हम लाल किले के सामने आ गए हैं, सभी को मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले से निर्धारित स्थान पर बैठ रहे हैं क्योंकि वो कीटाणु मुक्त किया जा चुका है। जवानों को भी मास्क लगाना है, और ये जो सफ़ेद वस्त्रों में हैं ये नौसेना के प्रहरी हैं। उनकी तरफ जो थल सेना के लोग हैं वो दूसरी बटालियन गढ़वाल राइफल्स के हैं, और दूसरी बटालियन गढ़वाल राइफल्स बहुत वीरता से अनेक युद्धों में लड़ी है। सफ़ेद यूनिफॉर्म के उनके अपने बाएं तरफ वायुसेना के सैनिक खड़े हैं। तो देखिए ये तीनों सशस्त्र सेनाओं का प्रतिनिधित्व है, और साथ ही साथ पुलिस का भी, सबसे अंत में पुलिस के लोग खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही आवश्यक है, आप कहीं भी जाएं, किसी भी समारोह में सम्मिलित हों, एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी, याद रखिए 2 गज की दूरी। और अब आज के जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया, वो यहाँ पर आगमन है। रक्षा मंत्री हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, और रक्षा मंत्री के साथ साथ रक्षा सचिव भी है, रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री और जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया जनरल मिश्रा। और ये उस समय उस सलामी मंच के पास हैं जहां प्रधानमंत्री की गाड़ी आकर के रुकेगी, और ये सज्जन उनकी अगवानी करेंगे। उनको दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा सलामी मंच तक ले जाएंगे, और फिर वापस आ जाएंगे। बाद में वो लाल किले के प्राचीर तक भी उनके साथ जाएंगे, और लाल किले की प्राचीर पर जहां ध्वजारोहण होगा, वो ध्वजारोहण जिसमें मेजर श्वेता वहां तक ले जा रहे हैं जहां से